आईजीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हीट ट्रीटमेंट संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यह किसी भी सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस हर सेमेस्टर में एक चैप्टर है, अपना ही एक चैप्टर है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टेम्परिंग करने के लिए स्टील को गर्म करते समय हल्के पुआल से नीले तक कई रंग बदलते हैं, ये रंग बदलते समय हीटिंग तापमान कितना होता है? आंसर है 230 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। क्या आंसर है? 230 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्नेस के उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर है पायरोमीटर। फर्नेस फर्नेस के तापमान को नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में चाप को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है? क्या है आंसर? एनिलिंग। क्या है? एनिलिंग। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एनिलिंग के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? आंसर है मशीनेबिलिटी में सुधार लाना। आंसर क्या है? मशीनेबिलिटी में सुधार लाना। पांचवा क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डनिंग तापमान है? आंसर है 1250 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 1250 डिग्री सेल्सियस। छठवां क्वेश्चन है, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? आंसर है 723 डिग्री सेल्सियस। आंसर है 723 डिग्री सेल्सियस। सातवां क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? आंसर है, हार्डनेस पूछा है तो आंसर है 62 HRC। आंसर क्या है? 62 HRC। आठवां क्वेश्चन है, स्टील के जॉ पर अधिक हैमरिंग करने से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाया जाता है? आंसर है एनीलिंग विधि, सॉरी आंसर है नॉर्मलाइजिंग विधि। क्या है? नॉर्मलाइजिंग विधि। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो आपको देता रहूँगा और इसी तरह क्वेश्चंस आपको अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको आसानी मिल सके।